गोल लगातनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी संजय उपाध्याय जी। सवेरे टहरे निकल मेहरारू आ युवती के साथ छेड़खानी मामला के लेके फायरिंग करत एगो वीडियो वायरल हो गया। बक्सर शहर के सोमेश्वर इलाका में लड़की के साथ छेड़खानी मामला में फायरिंग करत एगो वीडियो वायरल हो गया। बताव चली कि जानकारी के अनुसार सुबह तकरीबन 5:30 बजे नगर थाना क्षेत्र के सोमेश्वर स्थान मोहल्ला में दौड़ के प्रैक्टिस करे गई कुछ युवक के द्वारा सड़क पे टहल रहा स्थानीय महिला के साथ अभद्रता कर गई। जौना पे महिला एक विरोध कैली देखते देखत काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गई। एकरा पश्चात मामला तुर पकड़े लागल। काफ़ी संख्या में लड़का लड़की महिला आरोपित के दरवाजा पे पहुँच गईन, लेकिन यही दौरान कुछ युवक दहशत फैलावे के उद्देश्य से कई राउंड गोली चला दिले। गोली के तड़ताहट से इलाका में दहशत माहौल कायम हो गई। आदमी एने ओने भागे लगलन जैसन कि वीडियो में दिख रहा बा। केहू यह घटना के वीडियो बना लेलस आ वीडियो वायरल कर दिलस। ये वीडियो मीडिया के हाथ लागत। यह मामला पे पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा से पूछल गई। यह मामला पे पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा बतैनी कि मामला के संज्ञान में आवते नगर थाना के पुलिस घटनास्थल पर पहुँचल, मगर संबंधित लोग कोनो पटिशन ना दिले। वहाँ के बतौनी के मामला में लोग द्वारा भी बतावल गई कि गोलीबारी के घटना भइल बा। मामला में थाना प्रभारी के निर्देश दिहल होइल बा कि दोनों पक्ष के थाना पे बुला के FIR दर्ज करे। अगर वो तैयार नहीं तो वायरल वीडियो के आधार पे FIR दर्ज कर आगे कार्रवाई कर जाओ। अब देखल दिलचस्प हुई कि यह तरह बेखौफ होकर खुलेआम कट्टा तथा बंदूक से राउंड कई राउंड फाई करे वाला लोग के खिलाफ बक्सर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लोग गलती तो कह देवेला, लेकिन ये ना सोचेला कि एक और परिणाम क्या हुई। सुनिए उपेंद्र नाथ वर्मा के बयान। आज सुबह में एक मामला सामने आया था जिसमें समेश्वर स्थान पर कुछ गोलीबारी की घटना को लेकर नगर थाने की पुलिस वहां गई और वहां जांच करने के बाद लोगों के द्वारा बताया भी गया कि वहां गोलीबारी की कुछ घटनाएं हुई है। तो उसको लेके हालांकि जो भी संबंधित पक्ष थे उनके द्वारा अभी तक कोई पिटीशन नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे द्वारा थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि इसकी इस मामले की पूरी जांच करके संबंधित पक्षों को थाने पर बुला के आवश्यक कार्रवाई या आवश्यक केस दर्ज किया जाए। अगर नहीं दोनों पक्ष तैयार हैं तो खुद अपने बयान पे केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई। फायरिंग करते हुए एक वीडियो भी है। हाँ, वीडियो भी आया है, उसको भी सत्यापन करते हुए इसी आधार पे बोला गया है कि थाना प्रभारी अपने बयान पे या जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके बयान पे केस दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई।